आंख हो और कोई ख्वाब ना हो, सिर्फ धमकी हो, इनकलाब ना हो, आ तो सकते हैं फिर वो लंदन से, शर्त इतनी है एहतसाब ना हो। अफवाह है गर्दिश कर रही के आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या जबरदस्त आपने कपड़े पहने हुए हैं आज। कल ईद ना, इसलिए नहीं, ईद अली दूर है। नहीं वो इसलिए जल्दी पहन ले कि ईद तक गुम ना हो जाए। सॉरी मेरे घर वाले ने दसा ही नहीं। मैं मगर ये बड़ा जबरदस्त आपका जो प्रिंट है, और ये स्काई ब्लू तो नहीं है बल्कि ये डीप ब्लू है। आप बताइए, आप हैं फैशन से ताल्लुक रखती। इनको क्या पता है, इन्हें पेंटर का फटा लग रहा होना। मुझे तो लंडे का सूट लग रहा है। लेकिन शुक्र है लंडे का है, अपना तो है ना। समझ तो गई होंगी आप। मेरे पास अपने भी बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तुसी भी लंडे जानते जे? लंडे नहीं जाती, डिजाइनर वेयर पहनते हूं। अच्छा अच्छा यार, डिजाइनर सानू कपड़े क्यों नहीं देंदे? डिजाइनर शक्ल देख के स्पॉन्सर करता है। आसिफ भाई बड़ी वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे हुए अंदर से बटन चला रहे। अच्छा मैं क्या मशीन के अंदर क्या कर रहे? कहंदे ठाकर आज मैं अपने सारे गुनाह धो देना। मेहमान को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमएनए डॉक्टर रमेश कुमार। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल सना फारूक। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है जी, सना फारूक साहबा कितनी प्यारी सी छोटी सी हमारी गेस्ट आए और साथ मेरे दोस्त आए हैं जी। अच्छा, और शेर मैं कहने जा रहा हूँ जी, भाई जान के मेरे दोस्त हैं। आज मजाक रात में आए, बड़े दिनों के बाद एमएनए पीटीआई के डॉक्टर रमेश कुमार, इनको देख के हम तीनों को दिन वो पुराने याद आए। हम तीनों तैयार हैं डॉक्टर साहब, आप भी हो जाएं तैयार। आप भी हो जाएं तैयार। तेरा दुख जे दूरी नहीं, अरे वाह, तेरा दुख जे दूरी नहीं, मिन्नू भी मजबूरी नहीं, धरती मल के बैठा है, धरती मल के बैठा है, पैनी ओदी पूरी नहीं। हाय 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 हाय, वाह, वो मेरे लिए इतना बन संवर के सजता है। मैं उसे देखता हूं तो वो मुझे अपना लगता है। तुम उसे छू लो और वो तुम्हारा हो जाए। अरे इस दौर में इतनी वफा तो सिर्फ कोरोना ही रखता है। क्या कहने, जी डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? सही, बिल्कुल दुआ फर्स्ट क्लास। जबरदस्त, आपके चेहरे से लग रहा है कि आजकल मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। आज जो आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, मैं चार दिन का एक इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुआ था। मैं तो आजकल काम कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुर्बत बढ़ाने का। गुर्बत या कुर्बत? कुर्बत। अच्छा, ओके। एक्चुअली पिछले कुछ अरसे से हमें इतनी आदत हो गई है कि हमने कहा शायद, मगर अच्छा तो कुर्बत बढ़ा रहे हैं। चार दिन के लिए डेलीगेशन आया था, ठीक है, और उसको मैंने केपीके से शुरू किया एक फेथ टूरिज्म के नाम से, क्योंकि जो टूरिज्म है हर दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर टूरिज्म बहुत होता है। और उस टूरिज्म के अंदर 40% टूरिज्म जो है वो रिलीजियस टूरिज्म होता है, मगर पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के अंदर 80% चांस रिलीजियस टूरिज्म का है, मगर कभी किसी ने इसके ऊपर फोकस किया ही नहीं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर टूरिज्म की तरफ गामजन किया जाए, रिलीजियस टूरिज्म और उसके बाद टूरिज्म, आप सवात की वैली देखें आपको सिंगापुर से कम नजर नहीं आएगी जी सर, मगर कभी इन चीजों के ऊपर कोई गया ही नहीं है।
अगर आप बुद्धिज्म के तरफ जाएं तो आप टेक्सला के अंदर वो बुद्धिज्म के पड़े हैं जो जो स्टेचूज जो हैं वो यहाँ से नेपाल जाते हैं, वहाँ से कोरिया और जापान चले जाते हैं, हज़ार रुपये में बिकते हैं, वही चीज़ $1,000 में बिकती है, मगर आज तक किसी ने उसके ऊपर फोकस किया ही नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म में, हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है और इवन मुस्लिम कम्युनिटी की जो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रोमिनेंट किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। And I think that's a very good prerogative, अगर आप इसको फॉलोअप कर सकें। इसी महीने के अंदर एक पूरा जहाज भर के मैं पी आई ए का लेके जा रहा हूँ, ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह लाहौर और अजमेर शरीफ, यहाँ से लेके जा रहा हूँ। और अभी मैं उधर से जहाज, इधर से पीआईए का जहाज जाएगा, उधर से एयर इंडिया के जहाज में हम डायरेक्ट आके पेशावर। अरे वाह, रख लोगे जी पीआईए? नहीं है यार, वो क्यों नहीं आएगा वापस? भैया याद रखो, जो जाता है वापस भी आता है, क्यों सर? क्या हाल है आपके मैडम? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक ठाक हैं? आपने शो देखा हुआ है ना? आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए कि आपको पता है। मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत दफा ये शो देखा हुआ है, माय पेरेंट्स लव। अच्छा, नहीं आप ऐसे अकेले में भी देख सकती हैं? ऐसा की बात अकेले में भी देखती हूं। मोस्टली ये शो काफी ट्रेंडिंग पे भी चल रहा होता है, YouTube पे, Instagram पे, तो आई कीप वॉचिंग इट। अच्छा शो है, मुझे पसंद है। तो क्या आपको इस पर पसंद आया? आई थिंक ये जो एक माहौल है ना ऑफ फ्रेंडलीनेस, यू नो, यू फील वेरी गुड, यू फील वेरी पॉजिटिव इसमें, तो आई फील लाइक आई लाइक दिस शो। और आपको समझ आती है सना जो ये बातें कर रहे होते हैं? मैं बिल्कुल समझती हूँ, बिल्कुल फैमिली के साथ। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे सारी समझ आ रही है। तो आप बोलते भी हैं पंजाबी? थोड़ी बहुत, इसे तोड़ तोड़ के, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरह नहीं बोल पाती। जैसा कि कोई हम एग्जाम्पल दें, आप बात करिए पंजाबी में। जैसे कि तुम्हारा की हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तुम सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी है और आप बड़ा इत्तेफाक कर रहे हैं उनकी इस एग्जांपल से। नहीं, इसने जो दिल की बात थी वो कह दी उसमें। दिल की बात थी जो आपने कह दी साहब, तुसी मेरे हाल सी पिछले एपिसोड च। नहीं मगर यार कि नाले बेगाने बेगाने हो गए। नहीं कहा ना। मगर मुझे ये बताइए सना, वोट वगैरह कास्ट करती हैं? मैं वोट पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट हो? पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है। अच्छा, लेकिन एक मसला है मेरी फैमिली का कि माय 50% ऑफ फैमिली सपोर्ट्स एमएलएन और आधी जो फैमिली वो पीटीआई सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी कंफ्यूज्ड विजन टुवर्ड्स इट। अम्मी अबू किसकी तरफ हैं? आई थिंक मेरे अम्मी अबू आहिस्ता-आहिस्ता वो पीटीआई की तरफ हो गए। अच्छा, नहीं अभी तक जो है वो पीएमएलएन के साथ हैं? नहीं, वो पीटीआई की तरफ हो गए आहिस्ता-आहिस्ता, यू नो। तो कौन रह गया है वो जो पीएमएलएन के साथ है आपके खानदान में? पीएमएलएन अभी भी मेरी काफी फैमिली जो पीएमएलएन सपोर्ट करती है। एक्सटेंडेड फैमिली में से? नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, मतलब मेरे चाचू या मेरे मामू, यू नो, people wo hain ha they keep supporting pmln lekin I think finally I'm convinced ki pti is achhi wali hai। अच्छा, पीटीआई अच्छी वाली है? हाँ, तो इस बार मैं पीटीआई को वोट करूंगी। नहीं मगर तो ये पीटीआई अच्छी वाली का फैसला आपने कैसे किया? ऑफ कोर्स आई सी, मैं न्यूज देखती हूँ, मुझे पॉलिटिक्स का आइडिया है, मुझे पता है थोड़ा बहुत के क्या चल रहा है। ठीक है, एंड आई फील लाइक पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह तरक्की करेगा, जिस तरह से पीआई के जहाज उड़ा दे हैं, सब कुछ सबने सब कुछ उड़ाने हैं, तो आई थिंक। नहीं नहीं, पीटीआई के जहाज ही पहले उड़ाया करते थे, अब इन्होंने पीआईए के उड़ाने। वही ना कि वो पीटीआई के जहाज भी उड़ा रहे हैं, पीआईए के तो वो जहाजों वाली बातें ही नहीं रही। अब तो वो रही नहीं, अब ये तो बात इन पे आ गई, अब ये बताएंगे कि पीटीआई वो कुछ नहीं बोल रहे, आपको उसे पता नहीं चला? लेकिन जहाज वाले ना सुलह हो गई है ना? हां, वैसे ही बस एक वो सुलह नहीं हुई, बस वो सीज फायर हुआ है इस वक्त। मगर मुझे ये बताएं कि आप कभी पॉलिटिशियन से मिली? इनसे मिली हूं अभी। इनके अलावा किसी से नहीं मिली? इनके अलावा नहीं। तो जो इमेज आपके जहन में पॉलिटिशियंस का हमेशा से होगा, बिकॉज एवरीवन हैज एन इमेज, तो वो क्या वैसे ही हैं या नहीं? सोचना पड़ेगा, वैसे ही हैं कि नहीं, थोड़े बहुत सही हैं। थोड़े बहुत सही हैं। डॉक्टर साहब, आप पॉलिटिशियन थोड़े से लग रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो मैंने पहले भी एक मरतबा बताया था कि सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, मगर पाकिस्तान में सियासत बन गई है अदाकारी। मतलब जिसको जो अच्छा जवाब लगता है उसको वही जवाब दिया जाता है, हकीकत पसंद लोग कम है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हकीकत पसंद लोग हो जाएं, प्रॉब्लम समझेंगे तब उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, अगर प्रॉब्लम समझेंगे ही नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की थ्योरी को अपनाते हुए, मैंने इत्तफाकन से 2002 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने मुशरफ के साथ भी काम किया, मैंने मियां साहब के साथ काम किया, मैं खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने हर वक्त हर पॉलिटिशियन को
अपनी चीज़ों को डिफेंड करते हुए देखा हर पॉलिटिशियन को माजी 2000 से लेके आज तक इन 22 साल पॉलिटिक्स के अंदर, तो इससे मसला ये होगा कि आपके मसले हल नहीं होंगे। सर आपने मुशर्रफ साहब से काम किया, आपने मियां साहब के साथ काम किया, वो दो में बाहर चले गए और खान साहब ना काम कर रहे हो भी चले जाएंगे। देखिए बाहर कोई जाता है या नहीं जाता है, देखिए मुशर्रफ एक और बंदा था, मुशर्रफ की क्वालिटी, मुशर्रफ का वर्क, मुशर्रफ का स्टाइल, मैं समझता हूँ देयर इज नो मैच। नहीं नहीं क्या बात। और 99 से 2002 का जो वक्त था 3 साल, वो पाकिस्तान के लिए गोल्डन पीरियड था, और अगर 2 साल और भी अगर मुशर्रफ का दौर गुजरता तो आजकल जो हम कर्जों के अभी डल गए हैं, डिप्लोमेसी में हम बहुत पीछे हैं, इकोनॉमिकली सिचुएशन हमारी बहुत ख़राब है, तो मैं समझता हूँ ये हमें दिन नहीं देखने पड़ते। अब हालात ऐसे हो गए हैं, इन हालात के बाद जो आता है वो सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश करता है, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। कुर्बानियाँ देने के लिए जब भी कोशिश की जाती है तो फिर यही आवाम की आवाज़ से आ जाती है कि भाई महंगाई हो गई है, ये हो गया, और फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा आवाम की परसेप्शन को देखती है कि आवाम क्या चाहती है। आवाम की परसेप्शन या पाकिस्तान चाहिए या पब्लिक का सेंटीमेंट ज्यादा चाहिए। पर आज सच्चियां गल्लां कर रहे, तुसी पार्टी चेंज तो नहीं करन लगे? मुझे ये जरूर एक नसीहत हमारे मुर्शिदों ने, मेरे वालिद ने, मेरे वालदा ने दी है। मैं मुशर्रफ के सामने भी होता था, अकेला जो बात करनी होती थी सच कहता था, मियाँ साहब के सामने भी ऐसा था, आज भी खान साहब के पास अकेला ही ज्यादातर मैं बोलता हूँ, ज्यादा कम बोलते हैं। मैं अकेला उठ के कहता हूँ कि सर ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत। वो लीडर के साथ बहुत बहुत मुनाफिक लोग होते हैं जो अपने लीडर को हाँ से हाँ मिला के तालियां बजाए, सर आपने ये अच्छा कर दिया। मैं जब भी जिस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करता हूँ कि सर ये चीज़ यहाँ पे गलत है, और चंद दिनों के बाद वही उनको एहसास होता है कि आपने सही कहा। मैं ये देख रही हूँ कि इनकी रिजेम्बलेंस ना हानिया अमर से है, तो कभी आपको किसी ने ऐसा बोला है? मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मेरी हानिया अमर से रिजेम्बलेंस है, लेकिन अभी इन्होंने रमेश कुमार ने मुझे भी बैक स्टेज कहा कि मेरी एक औरत है, वो कौन सेलिब्रिटी है? मैंने कहा कि ज़ेबा बख्तियार के साथ। हाँ। ज़ेबा बख्तियार साहिबा के साथ। इन्हें निकालते यकीन ना करना, पिछले एपिसोड में भी नीलपुर कह गए। क्योंकि मैं वाकई में ज़ेबा बख्तियार की तरह लगती हूँ कि हानिया अमर? आप जो लगती है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। आप इनके क्या लगते हैं जो आप ये तर्जुमा करते रहे हैं? पीछे तो हमारा ख्याल था आप खामोश बैठे हुए थे, आप पीछे ज़ेबा बख्तियार जी से मिला। ज़ेबा बख्तियार दोस्त है हमारी पुरानी, और मैंने जब इनको देखा तो मैंने कहा आप ज़ेबा बख्तियार जैसी लगती है, कोई कम उनसे कोई। अच्छा बात सुने, ये कितना शो है आपका यहाँ पे? मेरा हाँ कोई चौथा पांचवा है ना? मुझे तो आज तक आपने कुछ नहीं कहा कि मैं क्या लगता हूँ। आपकी अगर किसी से मुझे अगर लगेगी तो मैं कह दूंगा। इधरों आके देखो अमरेशपुरी लगते ने। मगर 5 बार में आपने मुझे ना कहा, उनको आपने मिलते ही साथ ही ज़ेबा बख्तियार जी बना दिया। मैंने पहले और किसी को नहीं कहा, 4 प्रोग्रामों में अगर ये मुझे लगी कि ज़ेबा बख्तियार जैसी लगती है तो इसको मैंने कह दिया। कैसर भी है भाई, किसकी तरह लगती? किसी ये और अजूबा नहीं। ख्वाब था दीदाए पेदार तलक आया था, टैक्स का बोझ खरीदार तलक आया था, जब मैं छत में तजरे बात किए थे उसने, तो असर मेरे कारोबार तलक आया था, बस नहीं चल रहा हालात के आगे उसका, मुश्किलों से जो इक्तदार तलक आया था, देखो यार आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सना ये बताएं, आप तो फैशन से ताल्लुक रखती हैं। अच्छा। तो मैंने तो अभी नोट किया कि ये रमेश साहब की भी फैशन सेंस के बारे में कुछ कहेंगे आप। ये जो ब्रेसलेट सर, क्या आपने मैचिंग की हुई है? ये कोई खास ब्रेसलेट है क्या? ये बस किसी ने दिया है दुआ का, ये आपके हाथ में अगर पहना होगा तो आपकी रक्षा होती रहेगी। अच्छा, एक सलमान खान ने भी पहना होता है। हाँ, देखा ना, अक्षय कुमार को कॉपी नहीं करते, सलमान खान को करते। नहीं, मगर बड़ा जबरदस्त सूट कर रहा है आपके, बाकी भी जो एक्सेसरीज हैं उनके साथ भी, रिंग्स के साथ भी और घड़ियों के साथ। ये तो हमारा ड्रेसिंग का तो शौक है। सना तो मेरी ड्रेसिंग कैसी है? एक मिनट ठहर जा, भाइयों की गल बाकी है। ड्रेसिंग का, गाड़ी का, घर का, ये 2-3 शौक है जो हम। बिल्कुल, आप बजा तौर पे अपना शौक पूरा करें। आप क्या कह रहे थे? जो ड्रेसिंग की वो कैसी लगी? हाँ, वैसे इनकी ड्रेसिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई अक्षय कुमार से कम नहीं लग रहे, ना रमेश कुमार से कम लग रहे, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। ओए होए होए, मैं बचपन में कार्टून देखती थी, ऑगी एंड द कॉकरोचेस,
उसमें आपको ओगी याद है, उसने मेरे साथ ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहना होता था। मैंने तो उनकी तारीफ की है कि बचपन में आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, आपने रियल लाइफ ओगी देख लिया। आप डोरेमोन देखो, मैं वैसा लगूंगा आपको। फेवरेट कार्टून कौन सा होता था? मेरा बचपन में, मैं टॉम एंड जेरी बड़े शौक से देखती। टॉम एंड जेरी आपका? मेरे मामू के लड़के हैं। जी जी, एक टॉम हो बेटा, जेरी है। मैं तो अभी भी देखती हूँ कार्टून। अच्छा, नहीं आपका बनता भी है। अच्छा, आपको मॉडलिंग का कहाँ से शौक हुआ, या बचपन से ही शौक था? अच्छा, मेरे बचपन में बहुत खाब थे। मैं दिल चाहता था कि मैं बड़े होकर कभी, मैं सोचती थी कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, फिर मैं कभी सोचती थी कोई कैसा डॉक्टर बन जाए, तो मैं डॉक्टर बन के बड़ी प्यारी लगूंगी। डॉक्टर बनी भी बहुत अच्छी लगूंगी। पॉइंट था विजुअल अचीव करना था। आई एक्चुअली वांटेड टू बी समवन, समटाइम्स अ डॉक्टर। कोई मुझे कहता था तुम इंजीनियर बन जाओ, अच्छा मैंने कहा चलो इंजीनियर। फिर मुझे न्यूज कास्टर बनने का बड़ा शौक था। ठीक है। अच्छा, बचपन में ना मेरी एक आदत थी, मैं बहुत तेज बोलती थी। अच्छा, आपकी बचपन में थी ये, आपको लगता है? अच्छा, आपको अभी भी लगता है? प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, डॉक्टर की बात करें, आप डाकू भी बन जाती फिर भी प्यारी लगती है। डाकू होते सामान बाहर रखे गए ना, अजे तक डाकू नहीं आया। चार प्लीज कंटिन्यू जी। अच्छा, तो बचपन में मैं बहुत तेज बोलती थी, तो मैं कहती थी, मैं कभी कभी न्यूज चैनल्स बाबा देख रहे होते तो मैं खोलती थी, तो मैं कहती थी न्यूज कास्टर जितने तेज बोलते हैं, तो मैं कहती थी अगर मैं तेज बोलूँ, मैं न्यूज कास्टर बनूँ तो मैं बड़ी अच्छी लगूंगी। तो बचपन से मेरा शौक था मैं न्यूज कास्टर बनूँ। मगर क्योंकि आप अच्छी लगती। हाँ, मुझे था कि मैं अच्छी लगूंगी। बेसिक जो बेस पॉइंट है वो ये है कि इन सारी चीजों में आपने अच्छा लगना था। अच्छा लगना है ना, डॉक्टर बना हुआ बंदा इंसान अच्छा लगे। ठीक है। होस्ट बना हुआ बंदा इंसान अच्छा लगे। ओगी बना हुआ अच्छा लगे। रमेश कुमार बना हुआ अच्छा लगे। ठीक है। तो फिर मैं भी न्यूज कास्टर बनी हुई अच्छी लगूंगी। सबको आप अच्छी लगती है। आपको कोई अच्छा लगता है वो तो बताए, कोई ऐसा शख्स? मुझे बात है कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। वैसे कोई जिंदगी में एक आइडियल होता ना, जैसे कि बचपन में सोचा हो कि मेरे ख्वाबों का। अच्छा, बचपन में मैं मूवीज तो हमें मुझे देखने अलाउड नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी मूवीज देखती थी, ऐसे छुप छुप के देख लेनी। ठीक है। तो मुझे शाहरुख खान बड़ा पसंद था। ठीक है। शाहरुख खान के ऐसे मुझे डायलॉग्स वगैरह याद नहीं है, लेकिन आई यूज्ड टू वॉच हिज मूवीज एंड आई यूज्ड टू लव हिम, आई यूज्ड टू अडोर हिम अ लॉट। आपने तो एक्टिंग भी की शाहरुख खान की? मैंने एक्टिंग नहीं, इंटरव्यू की। परेशान हो गए, मुझे एक्टिंग आती नहीं, मैंने तो करनी है। अच्छा, तो शाहरुख खान आपको पसंद है? ठीक है। मुझे याद पड़ता है कि आपका भी कोई ड्रामा चलता था। इससे शाहरुख खान का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, लेकिन आपका ड्रामा चलता था, क्योंकि एक्टिंग की बात हो रही है, तो आपका भी कोई ड्रामा चलता था? हाँ, मैंने भी एक बचपन में किया था। बचपन में किया था? सब कुछ सब कुछ बचपन में किया। जिस जमाने में आपका बचपन चल रहा था, उस जमाने में मैंने एक ड्रामा किया था। जी, तो बचपन से टीवी नहीं थी, रेडियो चलते थे। यार वो बात कर रही हैं, मॉडलिंग में आने का ख्याल कहाँ से आया, ये सवाल था। अच्छा, मॉडलिंग में आने का मुझे ख्याल, आई नेवर वांटेड टू बी अ मॉडल, कि मैंने सोचा ही था बचपन में बड़े होकर मॉडल बनूंगी, लेकिन वो वैसे ही मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, तो उन्होंने कोई ब्रांड वगैरह खोली, तो दे वर लाइक यू हैव अ चलो नाइस फेस, तो यू नो यू कैन मॉडल फॉर आवर पेज, तो आई यूज्ड टू मॉडल फॉर देम, अपनी फ्रेंड्स के लिए से स्टार्ट किया। तो फिर ऐसे उन्होंने पिक्चर्स वगैरह लगानी, तो फिर बाकी सब ने भी ऐसे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। तो इट्स नॉट लाइक आई वांटेड टू बी, यू नो, लाइक आई डिजायर्ड टू बी अ मॉडल, इट्स लाइक वो बस हो गया। हो गया। और अब जब ये हो गया, तो अब आप वुड यू लाइक टू स्टिक टू दिस, और वुड यू लाइक टू चेंज और बिकम एन इंजीनियर और अ न्यूज़कास्टर और व्हाटएवर? आपके नो, आई एम ड्रीम टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है आपको? तो आई डिजायर टू कंप्लीट माय स्टडीज टू। जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। बीच में ये तो हादसा हो गया, सो हो गया। हादसा हो गया, कोई नहीं, हादसे होते रहते हैं। एक्टिंग का भी आपको कोई शौक है, या वो भी नहीं कभी हुआ? एक्टिंग का मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग अच्छी कर सकती हूँ, पता नहीं। ये आपको कैसे लगता है? ये भी अगर हादसा हो गया तो हो गया। नहीं, मतलब कैसे, आपको अंदाजा कैसे हुआ कि आप एक्टिंग अच्छी कर सकती हैं? क्योंकि मैं जब स्कूल में थी ना, तो हमारे स्कूल में इवेंट्स होते थे, ड्रामा इवेंट्स होते थे, तो मैं हमेशा अपने स्कूल की ड्रामा हेड बनती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू एक्ट, अच्छी वाली एक्टिंग करती थी मैं। माई टीचर्स यूज टू से कि तुम अच्छी एक्टर बन सकती हो, या तुम अच्छी एक्टिंग करती हो, तो बस यू नो सपने का। जो भी आपके साथ हो रहा है जिंदगी, वो आपसे स्कूल में ही हुआ था? नहीं, एक बात है कि स्कूल में एक बच्चे को बहुत ट्रेन करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं वो बाहर निकाल सकें, यू नो, तो इसीलिए आई थिंक। वैसे मॉडलिंग करने के लिए क्या जरूरी होता है? छत तो शाल मारनी पड़ती है। नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं होता। अब ये भी मॉडल बन सकते हैं, आप भी मॉडल, सब भी मॉडल बन सकते हैं। आपका ये जवाब दुरुस्त हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोफेशन में मेहनत की जरूरत होती है, और आई डोंट थिंक हर कोई मॉडल बन सकता है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली रैंप पे चली हुई हूँ 10 किलो की घघरा चोलियाँ पहन के, तो मुझे पता है हाउ टफ इट इज टू कैरी योरसेल्फ, एंड प्लस सर्दियों में आप लॉन के कपड़े पहन के शूट करना, दैट्स नॉट ईजी। तो आई थिंक मॉडलिंग भी, इट्स
टफ। शौक हर बंदे को हर काम करने का होता है, मगर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। आप अगर किसी भी विल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप कहें कि मैं इस जॉब के लिए फिट हूं और मैं करना चाहती हूं, तो ये देयर इज विल देयर इज। डॉक्टर साहब, आपको बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था या पॉलिटिशियन बनने का? नहीं, मेरा तो वालिद जो है वो बाबा डॉक्टर था और हम चार भाई थे, चारों भाई जो है वो डॉक्टर थे। और मेरे अभी बड़े भाई का डेथ हुआ 9 अप्रैल को, अभी भी तीन भाई हैं, हम तीनों डॉक्टर हैं। मैं एक सोशल वर्कर था 95 से, मैं काफ़ी बिजनेस में एक्टिव था। 2000 में मुझे मुशरफ साहब ने कहा कि आप मेरे साथ काम करें टीम में, तो फिर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2002 में बना। उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गया। डॉक्टरी का अपना पेशा आज भी हमारा है, डायग्नोस्टिक फील्ड में जो है वो पाकिस्तान में नंबर वन पे बिजनेस हमारा है। बस जेड़ा तनु वोट देता है उन्होंने तो इंजेक्शन फ्री लौंदे वो। देखिए, मैं समझता हूँ वोट हर इलाके में, हर जमीर का, हर लोग अपने जमीर के साथ वोट देते हैं, मगर मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए यूनिटी की ज़रूरत है। और ये नहीं होना चाहिए जो इस वक्त हम तमीज़ और तहजीब से निकल चुके हैं, जो पार्लियामेंट पे जो चीज़ें हो रही हैं और वो चीज़ें हमारे मुआशरे के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। थोड़ा सा माहौल को जो है टिकरम होना चाहिए, ऐसा ख़राब नहीं करना चाहिए, ऐसा ख़राब नहीं करना चाहिए और जनरल तमीज़ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए जो कि हम। और ये घर के अंदर भी, जब भी अगर आप तमीज़ का दामन छोड़ें तो घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। बड़े छोटे की, बहन बेटी की रेस्पेक्ट जो है, हर मजहब सिखाता है, हर धर्म सिखाता है किसका दर्जा क्या है। और हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर एक ही है कि बाप का दर्जा कहाँ है, सास का दर्जा कहाँ है, माँ का दर्जा कहाँ है, मगर हम उन चीज़ों से हट चुके। हमें तो आज भी अगर हमारे, चाहे अपोजिशन के हो चाहे और के हो, अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो हम उसे उस तमीज से बात करते हैं। सना कुछ कहना चाह रही हैं उस वक्त से? नहीं, वो लंबी बात ही, मैं बात ही भूल गई। Good of you. You know, last night I was in a big mall. Okay. उधर मैं अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहा था। ठीक है। सामने बड़े बंदे इकट्ठे हुए सब। Okay. मैं क्या चीज़ प्रॉब्लम हो गई, बंदे इकट्ठे हुए ने। मैं समझा कोई मोटरसाइकिल तो डिग गया। उधर मैं गया थे, उधर ना गुजरेला बेच रहे सब। गुजरेला। वो मैं देखा जो वजह छाल बंदा लेके बैठा है। जे लोग कोई कह रहे 1 किलो जे जो, कोई कह रहे 2 किलो जे जो, कोई कह रहे 3 किलो जे जो। मैं कह इससे तो बेहतर है बंदा ये बिजनेस करे, आजकल सीजन है उसका, लाल मूलियां लैके उन्हें चंगी तरह हांडी च पका के वो जो उच्च खोया पाना है, कुछ ड्राई फ्रूट पाना है, जो कुछ भी नहीं तो बड़ा महंगा है। ठीक है, समान में ले लिया सारा। अच्छा। हाँ, मैं पूरी बोरी ले आया लाल मूलियां दी। अरे वाह, ये सस्तियां मिल गई मन मंडी चो, ये बाकी सामान भी लाए। वो थाल बड़ा महंगा है। कितने का? मैंने कहने नहीं, अगर तुम पुराना थाल लोगे तो 12,000 का आएगा। मैं कह नो प्रॉब्लम, मैं फारसे चौधरी को बोलता हूँ, तो 12,000 रुपए का आप थाल मुझे लेके दें, मैं आपको 12,00,000 रुपए महीना कमा के दूंगा। ये मसला है क्योंकि मेरे पास नहीं है। सो व्हाट शुड आई डू? यू कैन ड्राइव फ्रॉम द गेस्ट। हे, हाउ यू डूइंग सर? दिस इज गुड गाय। पिछली बार आए सन, मैंने इन्होंने बढ़िया दुआवा दिखा कि पार्टी देने पीटीआई। आई लव पीटीआई। वो जद आ गया इमरान, तुहाडी मेरी जान बन गया नवा पाकिस्तान। आई लव यू माई पाकिस्तान। वो देखो जाके पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो गया है। 12,000 का थाल आना है, उस तो बाद मैं तुम्हें गर्म गर्म हलवा पा के इन करके देना है, उत्तर तुसी काफी पीनी है, तनु सुकून आ जाए। आपका हर प्रोग्राम में जो है ना ये कैप नीचे रखना ये पुराना स्टाइल हो गया। तो कैप उत्ते रख नहीं पहुंचा ना, इस वजह से कैप आप पहने, कैप उत्ते रख दे, कैप आप पहने। और आपको मैं आज दावत देता हूँ, आप मेरे पास थरपारकर में आए हैं। ओ बाजी, मैं शी इज अ मॉडल, शी लुक्स लाइक अ मॉडल। ओह रियली? यस। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਚੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਓ
नहीं सौन देंदे कौन ए हुकूमत वाले नहीं सौन देंदे ईमान ना सवेरे 12:30 बजे गया आए ले आख लाई ये ढम बल तो नहीं टली 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 टेलीफोन चुके थे इमरान खान से ओए होए होए मैंने कहा था ना निर्गोली कहाँ हो मैं कह इस खित्ते के सबसे सस्ते मुल्क पाकिस्तान में महंगाई के बोझ तले दबा हुआ हूँ ऐसी गल की थी बहुत अगर मैंने कहा था ना बल्ले 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 मैं क्या हो जाएगी बल्ले बल्ले मैं बची कर दा फिर मतलब मेरी गल नू इंजॉय करन लग पे मैनू कहंदे ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल ठीक है कडे डाला पहुंच गया बड़ी गल ठीक है अंदर गैस दा हीटर सीको ते कहंदे ने गैस नहीं आ रही मैं कह तुहाडे अल भी नहीं आ रही तो होर दुनिया च कित्थे होनी है हसे ने इस गल ते मैं कहंदे ने नहीं मैं वैसे मौसम इंजॉय कर रहा ठीक है मैं कह सर खैर ते है बड़े परेशान हो कहंदे ने असल में वो पिछली हुकूमत मैं कह लो पुरानी केसड़ फिर सुननी पड़ी मैं फिर इन मुंह कर लिया ओ मैं कह सर 4 साल हो गए ने तुहाडी हुकूमत है छड़ दियो पिछली हुकूमत हुण मैं कह तुहाडी कहंदे ने पूरी गल सुने कर जल्दबाज आ मैंने कहंदे ने सुने मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे ने ओ मैं कह सर मैं पिछले हफ्ते गया अगर आना हुंदा ते मेरे नाल जिक्र ना कर दे मैंने कहंदे ने ओ अकल दे आने आ तू पुलिस वाला है तैनु उन्होंने दसना उन्होंने गल लुका ली है तेरे को ते पता कर मैं कह सर मैं कितों पता करा कहंदे ने नून लीग दा कोई पुराना वजीर होवे जिन्हें सानू ज्वाइन कीता होवे इन्हां दिनां दे विच और अंदर बाहर आउंदा जांदा होवे उन्हां कोल फोन करा के ते पता करा उन्हां दसण कि तैनूं ही दसण हुण मैं चलिया जा के लभण कि कोई ऐसा वजीर होवे अरे ढूंढने की जरूरत नहीं मेहमान हमारे आज के रमेश साहब नूं ते मैं लभ रहा मेरी जान है मेरी लव है ऐसे पाकिस्तान जोड़ा तरक्की कर रहे हैं कितने कर रहे हैं ऐमें गुहां मुश्किल दे विच इक्तिसादी तरक्की रुक गई है माशी तरक्की रुक गई है सिर्फ साड़ी नहीं रुकी पूरी दुनिया परेशान है ए नाल नाल पुत्र कही दा बिल्कुल ते सर जी कोई देओ गुड न्यूज़ मियां साहब आ रहे ने कि नहीं क्योंकि मेरा नहीं उन्होंने तो बगैर दिन मियां साहब मेरे लीडर है गए ने ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਕੇ ਬਤਾਓਗੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਸਸਤੀ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਇਤਨੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦਿਓ ਆਪ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਆਪ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਹ ਮੈਡਮ ਸਨਾ ਇਸ ਲਈ ਟੌਪ ਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਜਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਮੈਡਮ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਆ ਮੈਡਮ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਓਏ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵੇਖ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਰੁਖਮਾ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਰਗਰ ਖਾਏ ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਏ हमने अक्सर ये सुना है कि फास्ट फूड या जंक फूड खाने से इंसान का वजन बढ़ जाता है इसी बात को पेशे नजर रखते हुए एक अमरीकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट ने टेबल और कुर्सियों की बजाय साइकिलें ही लगा दी ताकि लोग बर्गर खाने के साथ साथ वर्जिश करें और अपना वजन बढ़ने से रोक सकें एरेज केड़ी गल मैं साइकिल ते जाके आप बर्गर लेके आना साइकिल पे बर्गर लाना नहीं है बर्गर खाते हुए साइकिल चलानी है
ताकि कैलरीज बर्न होती रहे साथ साथ। ये तो इन्ना खा लेंदे उन्हें हजम करने वास्ते साइकिल चलाना पैंदा है। हां कई बार साइकिल चोरी दे केच फड़या भी गया नाल ने चुक के ले जांदा। हां जी वो दूसरे दे साइकिल ते कैलरी ज्यादा बर्न हुंदी। हां पुलिस वाले कर देंदे ने। वैसे आपको क्या है एक्सरसाइज वगैरह का शौक? रोजाना मेरा 8 किलोमीटर जॉगिंग है। अरे वाह ये तो बड़ी। चाहे कुछ भी हो जाए आपने भागना है। चाहे जो भी मुझे टाइम मिले मैं जॉगिंग करता हूँ। जबरदस्त। सेहत के लिए ये बहुत। नहीं नहीं बिल्कुल, कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी फिजिकल बहुत जरूरी होती है और रेगुलरली अगर ये करते तो बड़ी कमेंडेबल बात है। अकरम उदास साहब भी करते हैं। 20-25 किलोमीटर तो मम्मी कर लेना आराम ना। थोड़ा सा कट कर यार, 1.5 ठीक है। चलो इतना कर लो। जी आवाम की तरफ से कोई सवाल, हमारा एक सेगमेंट है तो आवाम कोई सवाल। जी प्लीज अपना नाम बताइएगा और बताइएगा किन से एड्रेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहा अहमद है। तो मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि हमें कहा गया था बाहर से लोग जॉब्स के लिए पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अभी तक कोई शख्स या कोई ऐसा बंदा नहीं हमें नजर आया जो बाहर से अभी तक पाकिस्तान में जॉब के लिए आया हो। देखिए मैं समझता हूँ कि मैं अपने इस मासूम बच्चों के साथ कोई झूठ बोलूँ वो तो मेरे पास है नहीं। नहीं मैं ज़िंदगी में झूठ बोलना पसंद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो हमारे वायदे थे, जो हमने कहा था, हमारी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती थी मगर प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो पॉसिबल नहीं थी वो नहीं हो सकी है। आज भी जो भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो उस चीज़ की ख्वाहिश ज़रूर होती है कि मैंने जो वायदे किए हैं वो पूरे करें, मगर जब हालात इजाज़त नहीं देता वो कमज़ोरी फील कराता है कि मैंने वायदे पूरे नहीं किए, मगर मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं करता है तो ये अच्छी बात है। इस वक्त ऐसे हालात नहीं है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हो। मैं समझता हूँ ये वायदा जिस लेवल पे था उस लेवल पे पूरा नहीं। बाहर वाले देते नहीं आए तो फिर उन्होंने भेज दिए। नहीं नहीं मगर रजा बाकर सब आ गए हैं बाहर से, तो वो बाहर से हैं शायद वो भी उन्हीं लिस्ट में आते हैं। और किसी का सवाल? जी मेरा नाम बाबर जमान है और मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप पीटीआई से खुश हैं? मेरी अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक हैसियत है, अपनी एक सेंट्रिटी है, अपना एक विजन है। मैंने हर पॉलिटिकल लीडर के साथ काम किया, मैं एक माइनॉरिटी लीडर हूँ। मेरा ज़्यादातर फोकस जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होता है, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर होता है कि पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करूँ एज ए माइनॉरिटी लीडर। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पीटीआई की पॉलिसी क्या है, नून की पॉलिसी क्या थी, परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसी क्या है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जो भी करूँ अवाम के लिए और मुल्क के लिए बेहतर करूँ। मैं हर हुकूमत में रहता हूँ, जो भी हुकूमत आती है उसको मेरी ज़रूरत होती है, मुझे हुकूमत की ज़रूरत होती है, उस वजह से मैं उसका हिस्सा ज़रूर बनता हूँ, मगर मौक़िफ़ हमेशा वो रखता हूँ जो खुदा ने मुझे अकल दी है, जो मैं समझता हूँ कि ये सही है पाकिस्तान के लिए। इसका आसान साल तो तुसी को काम नहीं कर रहे घर वाले तो खुश ने जनाब। ये नहीं मगर आपके सवाल का आसान जवाब मेरे ख्याल से होगा कि डॉक्टर साहब सिर्फ अपने आप से खुश हैं। तो 2020 की तरफ चलते हैं। सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको जवाब चूज करना है। कहीं पर लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप लोग जनरल नॉलेज के ऊपर जा सकते हैं। पहले किसके साथ खेलें ये बता दीजिए। आज मेरा ना खेल लो। तो डॉक्टर साहब से स्टार्ट कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा सारा। ठीक है जी। जी मुझे ये बताइए चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट के अंदर, दो सीटें, एक अपनी दूसरी पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगे उसको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो किसको लेके जाना चाहते हैं अपने साथ आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद और जनाब फवाद चौधरी। शेख रशीद। शेख रशीद साहब चांद पर होने चाहिए। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली मोहम्मद खान, डॉक्टर शहबाज गिल और मुराद सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? शहबाज गिल को तो कह दूंगा कि आपका आप फ्लोर आ गया है। ओए होए शहबाज गिल साहब नीचे से स्टार्ट किया है उन्होंने कि वहां से फ्लोर आ गया है। सेल्फी किसके साथ है फिर? मुराद सईद के साथ जो है वो मैं समझ गया हूं कि स्माइल कर दूंगा। स्माइल कर देंगे और अली मोहम्मद खान से सेल्फी है। अच्छा पढ़ा लिखा बंदा। अली मोहम्मद खान साहब आपके साथ से सेल्फी, मुराद सईद साथ आपको स्माइल मिलेगा और डॉक्टर शहबाज गिल साहब फ्लोर आ गया हुआ आपका। वो कह रहे हैं ये मोटरवे पे जा रहे हैं, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में सिर्फ एक सीट बाकी है, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब आपको लिफ्ट मिल जाएगी। दैट्स ग्रेट। ठीक है सर ये बताइए किसके साथ टाइटैनिक पर जाना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके पास हैं दो वीआईपी पास। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सना फारूक। सना फारूक। यस ठीक है, सना ने अपना ही सर पकड़ लिया। ये बताइए डूबती कश्ती में हैं आप सवार, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब परवेज मुशर्रफ साहब। ऑफ कोर्स परवेज मुशर्रफ। ऑफ कोर्स परवेज मुशर्रफ साहब हैं वो।
जी सना, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक का फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं अली जफर, फवाद खान और फहद मुस्तफा। तो किसके साथ है सेल्फी? अली जफर के साथ सेल्फी। स्माइल किसके साथ? स्माइल फवाद खान को। और जो आखिरी कौन था? फहद मुस्तफा। उनको बाय बाय कह दूंगी। आपको मजबूरी के तहत तस्वीर अपने घर में बड़ी सी फ्रेम करा के लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मुराद अली शाह। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार हैं वो। ये बताइए मैडम, जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को चांद पर छोड़ के आ सकती हैं, किसको छोड़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को छोड़ दूंगी। शहबाज शरीफ साहब को छोड़ना चाहती हैं। उठे को अंडरपास नहीं ना बने होते बना देंगे। टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहद रजा मीर और जनाब असद सदीकी। अहद रजा मीर। आद रजा मीर होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किन को दे रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी, जनाब रमेश कुमार और कैसर पिया। इनको दे दूंगी कैसर पिया को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।